आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ आई बटन में भी मिल जाएगी, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं, तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने लिखा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में IMIS भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर डिजाइंड टू सपोर्ट द मैनेजमेंट फंक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी किसी भी प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तो उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उन फंक्शन को हम कैसे मैनेज करें, उसे कैसे सपोर्ट करें, इसीलिए इसे डिजाइन किया जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इसीलिए डिजाइन किया जाता है जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन वगैरह कैसे बनाए रखें हम, ठीक है, उसे कैसे मेंटेन कर रखें, इसीलिए हम इसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ IMIS ईच सर्विंग स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ बहुत सारे हैं, वैसे तो बहुत सारे हमारे पास IMIS के टाइप्स हैं जो जिनका यूज एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है, बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई हमने यहाँ पर लिए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं अलग अलग, आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, बट यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में TPS भी बोल सकता है, दोस्तों अलग से भी एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ सकता है TPS क्या है, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म को आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तो TPS, इट हैंडल्स डे टू डे ट्रांजैक्शंस लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड पेरोल, इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड टाइमली डाटा इनपुट, यानी कि जो हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, लेन देन से संबंधित, सेल्स से संबंधित, मार्केटिंग वगैरह, ठीक है, तो इसी प्रकार का जितना भी डाटा हमारा होता है जो डेली हमारे यूज में आता है, उससे ट्रांजेक्शन से संबंधित जितना भी डाटा है वो हमारा इसी TPS के अंदर आता है, ठीक है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट और एक निश्चित समय पर, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय वगैरह हैं, तो उन्हें कितना किस पे बकाया है बैलेंस, कितना किसको सैलरी मिल गई है, ठीक, किस टाइम पे मिली है, किसके द्वारा दी गई, इस सभी से संबंधित डाटा हमारा इसी TPS के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनालिटिकल टूल्स एंड इंफॉर्मेशन टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि DSS जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जी हमें एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड कराता है, या टेक्निक टूल्स या टेक्निक बोल सकते हैं, या कुछ मेथड वगैरह प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारी हेल्प करते हैं डिसीजन को लेने में, एक किसी भी कार्य से संबंधित हमारा डिसीजन हो सकता है, तो उस डिसीजन हम कैसे लें उसमें, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें उसी डिसीजन लेने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इट एड्स इन एनालाइजिंग कम्प्लेक्स डाटा, तो ये हमारी हेल्प करता है जो हमारे पास कम्प्लेक्स डाटा होता है उसमें से एनालाइज करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, जो हमारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे निकालने के लिए हमें वहाँ पर गाइड करता है। एंड हेल्प एग्जीक्यूटिव्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, तो उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें जो रिलीवेंट, जो हमारी बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से चॉइस हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डाटा जो कम्प्लेक्स डाटा है उसे ईजिली से हम उसे हैंडल कर पाएँ, ठीक, और एक बेटर डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये हेल्प करता है, जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो वहाँ पर जो हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है उसे चूज करने में जो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये जो हमारा सबसे बड़ा सिस्टम होता है, टेलर्ड फॉर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ये जो है हमारा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी हमारा जो वो टॉप लेवल होता है उसी के अनुरूप हमारा होता है, यानी कि जो टॉप लेवल है उसी के बिल्कुल उसी के जैसा, मान लीजिए जैसा कि टॉप लेवल हमारा होता, सेम वही कार्य हमारा होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड समराइज्ड रिपोर्ट एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है जी, हमें एक समराइज्ड रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिटेल नहीं बल समरी, केवल नाम मात्र का केवल, बट बिल्कुल फिक्स डिटेल हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम जो हमारा सिस्टम वगैरह है तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह को हम इंडिकेट कर पाएँ इंडिकेटर्स के द्वारा, ठीक है।
और उसकी अपनी प्रणालियाँ वगैरह बना पाएँ, यानी कि जो रणनीतियाँ वगैरह बना पाएँ किसी भी काम से संबंधित हमारी हो सकती है, किसी भी एक्टिविटी से संबंधित जिस पे हम कार्य करना चाहते हैं, तो उसी से संबंधित हम एक बढ़िया डिसीजन ले पाएँ, ठीक है, तो उसकी प्लानिंग वगैरह हम कर पाएँ। तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यही काम है, जो समराइज्ड रिपोर्ट जो हमारी होती है उसी में से एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और हम एक बेटर प्लानिंग बना पाएँ, एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। इसके बाद चौथा है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, IMRS शॉर्ट में बोल सकते हैं। इट मेनली फोकसेस ऑन जनरेटिंग रेगुलर रिपोर्ट्स टू कीप मिडिल लेवल्स मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम IMR जो मेनली हमारा फोकस करता है मिडिल लेवल जो मिडिल लेवल हमारा मैनेजमेंट का सिस्टम का जो पार्ट होता है, जैसे कि पहले तो लोअर लेवल, मिडिल लेवल, इसके बाद टॉप लेवल। तो मिडिल लेवल पर हमारा कार्य करता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो रेगुलर रिपोर्ट को मेंटेन करता है, जो रेगुलर रिपोर्ट वगैरह होती है उन पर ध्यान ये देता है, ठीक है। जिससे कि क्या है, जो डेली एक्टिविटी होती है, ऑपरेशन वगैरह होती हैं, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन को जिन काम की ज़रूरत है वो सभी कार्य हमारे इसी के अंदर आते हैं, जो भी इससे उम्मीद रखी गई है तो उन पर ये खड़े उतरते हैं या नहीं, उसी संबंधित एक्टिविटी इसके अंदर हमारी होती हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि मिडिल लेवल का ही एक कार्य होता है। इसके बाद है हमारा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम KMS, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर हमारे भिन्न भिन्न प्रकार की नॉलेज हो सकती है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है जो हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जिससे कि हम क्रिएट कर पाएँ, कोई भी चीज़ क्रिएट कर पाएँ, ठीक है, उसे स्टोर कर पाएँ इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा मटेरियल वगैरह को, एंड डिसेमिनेशन माने उसका प्रचार प्रसार कर पाएँ जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव हो और एक बेटर डिसीजन को हम ले पाएँ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका हम सॉल्यूशन ईजिली से निकाल पाएँ। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहले से ही होगी तो ईजिली से उसमें से चूज कर लेंगे और अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से, इस शॉर्ट में CM ICM बोल सकते हैं, ठीक है। इट मैनेज द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का फ्लो मैनेज करता है, यानी कि कब डिमांड बढ़ी कब घटी, ठीक है। तो उसी प्रकार का कंसेप्ट इसमें आता है। सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन एक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस चीज़ का कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, किस चीज़ का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी सभी एक्टिविटी का काम हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है, ठीक है। किस चीज़ का हमें प्रोडक्ट करना चाहिए, कहाँ पर, किस जगह पर, किस लोकेशन पे हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित हमारी जितनी भी सर्विसेज वगैरह होती हैं वो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, CRM शॉर्ट में बोल सकते हैं। इट मेनली फोकसेस ऑन मैनेजिंग इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य होता है हमारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन किस प्रकार का है, ठीक है, यानी कि कस्टमर्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं जिससे कि भी हमारे रेगुलर बेस पे कस्टमर बने रहें और इजीली हमारे प्रोडक्ट को यूज करते रहें, ठीक है। हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम एक हमारा होता है वो हमारे कस्टमर्स पर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कस्टमर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें उनकी ज़रूरत को समझना और उनकी जितनी भी ज़रूरतें उनको प्रोवाइड कराना जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो सकें, ठीक है। तो इसी प्रकार का हमारा जो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम ERP जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ERP इंटीग्रेट्स वेरियस बिजनेस प्रोसेस, ERP के अंदर हमारी बिजनेस की बहुत सारी प्रोसेस आ सकती हैं, जैसे कि प्रोसेस आ सकती हैं इसके अलावा एंड फंक्शंस एक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम हमारा ऐसा होता है जो कि अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों के बीच में जो कार्य करता है वो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा उसी से प्रोसेस एंड फंक्शन को ये हमारा मेंटेन करता है ERP, ठीक है। इट इनेबल्स रियल टाइम डाटा शेयरिंग सच एज फाइनेंस
ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रियल टाइम में जो घटनाएं एक्टिविटी घट रही हैं उन्हीं से संबंधित एक्टिविटी को ये ध्यान देता है। जैसे कि फाइनेंस से संबंधित हमारा कुछ हो सकता है, या ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है, या सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन में किस चीज़ का प्रोडक्ट होना चाहिए, किस चीज़ का नहीं, उस पर ध्यान देता है। जो भी डेली मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है उन सभी एक्टिविटी पर हमारा ये ध्यान देता है ईआरपी। ठीक है, इन द लास्ट वीकेंड से ईच टाइप ऑफ एमआईएस सर्व्स स्पेसिफिक पर्पज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने भी हमारे एमआईएस के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, ठीक है, वो सभी हमारे एक विशेष पर्पज के लिए ही क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूटिंग टू इफिशियंट ऑपरेशन, और वो एक इफिशियंट ऑपरेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और उनका यूज हम एक डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन लेने में कर सकते हैं, और एक सबसे बढ़िया प्लानिंग लेने में कर सकते हैं, जैसा कि कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन वैसा ना लेती हो। ठीक है, तो इस प्रकार की हम प्लानिंग इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू।